हाय गाइस, सनड्रॉप के ना बड़े सारे पीनट बटर आते हैं, क्रंची, क्रीमी, अनस्वीटन्ड। तो मैं आज रिव्यू दिखाने वाली हूँ आपको क्रीमी रेगुलर पैक का। ये 100 ग्राम का छोटू सा पैक लिया था मैंने, 50 रुपीज़ इसकी MRP है। इसका जो बड़ा पैक आता है 925 ग्राम का, वो आपको 230 रुपीज़ में अमेज़ॉन से मिल जाएगा। क्योंकि मुझे रिव्यू करना था सिर्फ, इसीलिए मैंने छोटा पैक लिया है, बड़ा लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। एक बार ना सबसे काम की चीज़ देख लेते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हर 2 चम्मच लगभग 30 ग्राम पीनट बटर में है 8 ग्राम प्रोटीन, 5.3 ग्राम कार्ब्स, शुगर इन्होंने डाला है, नेचुरल शुगर होता है पीनट बटर में बट वो बहुत ना के बराबर होता है, इन्होंने इसमें डाला है 3 ग्राम शुगर, और सोडियम नमक भी डाला है 84 mg। पैक पे ना एक चीज़ और थी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब आप देखोगे कि ऊपर पीनट बटर के ऊपर थोड़ा सा लिक्विड आ जाता है ऑयल जैसा। तो अगर ऐसा होता है ना, आप चम्मच से इसको मिक्स कर दो, उससे टेस्ट में और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। शेल्फ लाइफ जो है इसकी वो 1 साल है, तो 1 साल तक आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। आप इसको ब्रेड पे लगा सकते हो, पराठे पे लगा सकते हो, और मैं तो डोसे में भी लगा लेती हूँ। अभी विंटर्स है तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, वैसे इट्स नॉट हार्ड टू स्प्रेड और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, बट क्रीमी तो है। अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप इसमें से शुगर कंटेंट को हटा दो तो, और अगर आपका पर्पस ओनली प्रोटीन इंटेक है कि मैं प्रोटीन ले रहा हूँ थ्रू पीनट बटर, तो आप इनके अनस्वीटन वाला पैक लो, दैट इज़ अ बेटर वन। बट वो ना बहुत ब्लैंड टेस्ट देता है, उसमें या तो आपको हनी डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगानी पड़ेगी, वरना प्लेन तो वो मुझे तो नहीं जचा था। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड को टोस्ट कर लिया, उसके ऊपर पीनट बटर लगा दिया। आप नॉर्मल प्लेन ब्रेड लेके सॉफ्ट ब्रेड पे भी इसको लगा सकते हो, थोड़े से बनाना या किसी भी फ्रूट के स्लाइसेस डाल दो, नट्स डाल दो, एकदम मस्त। कभी भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे तो आप आराम से खा सकते हो इसको। सो दैट वॉज इट गाइज, आई होप यू फाइंड द रिव्यू यूजफुल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।